श्रीगंगानगर में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाए जाने की मांग को लेकर संयुक्त छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं छात्र नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और पुलिस प्रशासन के साथ RCO सिटी प्रशांत कौशिक और कोतवाल देवेंद्र राठौर मौजूद थे। इसी दौरान कई बार छात्रों और पुलिसकर्मियों में काफ़ी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। वहीं वक्ताओं ने कहा कि गहलोत सरकार ने चुनाव न करवाए जाने का निर्णय निंदनीय है, सरकार जल्द से जल्द सभी विश्वविद्यालयों के परिणाम जारी करवाए और छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से बहाल करे। इसके बाद छात्रों के शिष्टमंडल ने SDM संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कहा कि छात्र संघ चुनाव पर रोक को हटाकर चुनावों के लिए तिथि घोषित की जाए। बार प्रदर्शन चलने के बाद प्रशासन अंदर आने के लिए हमें भेजे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो छात्र संघ चुनावों को बंद किया गया है कि कोई विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकता, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को पुनः लागू किया जाए, अदरवाइज आने वाले दिनों में। आज छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ छात्रों ने कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करके और सरकार को चेताने का काम किया है कि छात्र संघ चुनाव को रोकना लोकतंत्र की हत्या है और उस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ प्रदेश का छात्र नौजवान एकजुट होकर सरकार